हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरे चैनल जय बालाजी में आपका स्वागत है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आज हम बनाएंगे कान्हा जी के लिए वुलन ड्रेस। इसके लिए ये देखिए, मैंने दो कलर की ऊन ली है और ये देखिए मैंने 12 नंबर का क्रोशिया लिया है। आज हम न्यू पैटर्न में बनाएंगे अपनी कान्हा जी के लिए ड्रेस। तो इसके लिए ये देखिए मैंने ये ब्लू कलर की चोली बना के रखी है, जैसे कि मैं हमेशा बनाती हूँ। इसमें मैंने 14 चैन ली है। 14 चैन लेने के बाद ये मैंने 12 डबल क्रोशिया बनाई है। तीसरी चैन के अंदर बनाया है मैंने डबल क्रोशिया, और ये 12 डबल क्रोशिया हो गए हैं। एक चैन के अंदर एक बनाते हुए ये दूसरे राउंड के अंदर हमने एक चैन के अंदर दो दो डबल क्रोशिया बनाए हैं, और फ्रंट के लिए ये 4 डबल क्रोशिया बनाए हैं। एक चैन के अंदर एक डबल क्रोशिया और 4 चैन स्किप की है, और बैक के लिए ये 8 डबल क्रोशिया बनाए हैं। एक चैन के अंदर एक, और यहाँ पे हमने बाजू के लिए फिर से 4 चैन स्किप की है और 4 डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाए हैं हमने। एक चैन के अंदर एक डबल क्रोशिया, और अगले राउंड के अंदर हमने एक चैन के अंदर हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए राउंड कंप्लीट किया है, और यहाँ पे हमने इसे स्लिप स्टिच से अटैच किया है। अब हम दूसरे कलर का धागा अटैच करेंगे। ये धागा हम यहाँ पे साइड में अटैच करेंगे यहाँ पर। ये देखिए हमारा धागा अटैच हो गया है। अब हम यहाँ पर 3 चैन बनाएंगे। 3 चैन बनाने के बाद इसी चैन के अंदर एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। ये देखिए हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। 4 चैन बनाएंगे, 2 3 4। अब 6 चैन और बनाएंगे, 3 4 5 6। 6 चैन बनाने के बाद 5 बार ऐसे धागा लपेटेंगे, एक चैन स्किप करेंगे और अगली चैन के अंदर ये देखिए एक चैन स्किप करेंगे और अगली चैन के अंदर डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। छह चैन बनाएंगे, 4 5 6। फिर से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। अब एक चैन स्किप करेंगे और अगली चैन के अंदर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 6 चैन, 3 4 5 6, ट्रिपल क्रोशिया। एक चैन स्किप करेंगे और अगली चैन के अंदर बनाएंगे ट्रिपल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 6 चैन बनाने के बाद फिर से 5 बार धागा लेंगे और एक चैन स्किप करेंगे, अगली चैन के अंदर बनाएंगे। छह चैन, ट्रिपल क्रोशिया, एक चैन स्किप करेंगे और अगली चैन के अंदर बनाएंगे ट्रिपल क्रोशिया। फिर से 6 चैन, ट्रिपल क्रोशिया, एक चैन स्किप करेंगे, अगली चैन के अंदर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 6 चैन, 4 5 6। अब फिर से 5 बार धागा लेंगे और एक चैन स्किप करेंगे, अगली चैन के अंदर बनाएंगे। छह चैन, 2 3 4 5 6। फिर से ट्रिपल क्रोशिया, एक चैन स्किप करके अगली चैन के अंदर। फिर से 6 चैन बनाएंगे, फिर से ट्रिपल क्रोशिया, एक चैन स्किप करके अगली चैन के अंदर।
एक दो तीन चार पाँच छः, छः डबल क्रोशिया बनाने के बाद, छः चैन बनाने के बाद, सॉरी 5 बार ऐसे धागा लेंगे और एक चैन स्किप करके अगली चैन के अंदर बनाएंगे। छः चैन, 4 5 6, अब ट्रिपल क्रोशिया, एक चैन स्किप करेंगे और अगली चैन के अंदर 6 चैन, 5 6, अब ट्रिपल क्रोशिया, एक चैन स्किप करके अगली चैन के अंदर 6 चैन, 5 6, इसी तरह से हमें 2 बार यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बनाना है, 1 बार डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। एक दो तीन चार पाँच छः, 6 चैन बनाएंगे, अब फिर से 5 बार धागा लेंगे, एक चैन स्किप करेंगे और अगली चैन के अंदर बुनाई करेंगे। फिर से 6 चैन बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः, ट्रिपल क्रोशिया, एक चैन स्किप करेंगे और अगली चैन के अंदर बनाएंगे। छः चैन, ये देखिए, फिर से 6 चैन बनाएंगे, दो तीन चार पाँच छः, और ये देखिए, अब हमारी यहाँ पे 1 चैन एक्स्ट्रा है, ये देखिए, तो इसे हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। और यहाँ पे हमने जो 4 चैन बनाई थी, 1 2 3 और 4, इस चौथी चैन के अंदर स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे, ये देखिए हमारा पैटर्न कुछ ऐसा दिखेगा। ये देखिए, ये देखिए, अब हमें सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। 1 चैन बनाने के बाद ये देखिए, यहाँ पर इस चैन को ऐसे उठा के, और हमें यहाँ पर 7 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं, 3 4 5 6 7, 7 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद ये वाली देखिए, ये वाली जो पेटल है, हमने जो यहाँ पे डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाया था, इसके चारों तरफ हमें 8 बार सिंगल क्रोशिया बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार डबल क्रोशिया बनाना है। ये जो हमने बीच में चैन स्किप की थी, इस चैन के अंदर से हमें स्लिप स्टिच से इसे अटैच करना है ऐसे, और 1 चैन बनाएंगे और इसे ऐसे टर्न करेंगे। अब हमें ये जो बैक साइड का जो लूप है, ये देखिए, ये वाला जो धागा है, इसके अंदर हमें सिंगल क्रोशिया बनाने हैं, ये 1 चैन स्किप करेंगे और अगली चैन के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और अगले लूप के अंदर हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, ये देखिए, और ध्यान रखिए कि पीछे वाला लूप ही उठाना है, ये देखिए, और अब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब अगले लूप के अंदर हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है, ये देखिए, अब हमें ट्रिपल क्रोशिया बनाना है, 1 लूप के अंदर 2 बार,
इसी चैन के अंदर एक बार और ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, अगली चैन के अंदर फिर से ट्रिपल क्रोशिया दो बार, अब हमें चार बार धागा लेना है और अगले लूप के अंदर बनाएंगे। इसी तरह से हर दो डबल क्रोशिया के बाद हमें एक एक धागा यहाँ पे बढ़ाना है। ये देखिए, दो तीन चार पाँच, ये देखिए इस लूप के अंदर हम बनाएंगे। एक दो तीन चार पाँच, और इसी लूप के अंदर हम फिर से बनाएंगे। ये देखिए हमारी पेटल कुछ ऐसे दिखेगी। ये देखिए इस लूप के अंदर हमें फिर से बनाना है। चार पाँच और छः, छः बार लेंगे। और ये देखिए इस वाली लूप के अंदर पीछे से उठाएंगे, ऐसे बनाएंगे। ये देखिए हमारी पेटल की शेप कुछ ऐसी दिखेगी। ये देखिए यहाँ पे हम एक चैन बनाएंगे और इसे ऐसे टर्न करेंगे। यहाँ पे हमें एक चैन ये छोड़नी है और अगली चैन के अंदर लूप पीछे से उठाएंगे, डबल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा तीसरा राउंड है इस पेटल के ऊपर। पहला हमने सिंगल क्रोशिया से लगाया था, दूसरे हमने डबल क्रोशिया और ट्रिपल क्रोशिया बनाकर लगाए हैं, और तीसरे राउंड के अंदर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। लूप हमें पीछे वाला उठाना है। अब हमें ये जो लास्ट वाला हमारा है ये दोनों धागे हमें उठाने हैं।
और इसमें से हमें ऐसे बुनना है इसको, और ये धागा हम ऐसे ही रखेंगे। और अब ये जो हमने यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया अपना ज्वाइन किया था, यहाँ से हुक डालेंगे और तीनों धागे एक साथ बुन लेंगे, एक चैन बनाएंगे और इसे टर्न करेंगे। अब हमारा चौथा राउंड शुरू हो रहा है, एक चैन स्किप करेंगे और अगली चैन के अंदर सिंगल क्रोशिया। बस हमें ये ध्यान रखना है कि हमें बैक लूप ही उठाना है और ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। अब ये जो लास्ट वाला जो लूप है, ये देखिए, यहाँ पे हमें एक चैन के अंदर दो सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखिए, इस तरह से दो सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब हमने ये जो डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाया है ये वाला, इसमें हमें नौ सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ। ये देखिए, ये हमारी बड़ी पेटल कंप्लीट हो गई है। अब हमें यहाँ पे आना है स्लिप स्टिच से, यहाँ पे देखिए, अब ये देखिए, यहाँ पे हमें सात सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। दो, तीन, चार, पाँच, छः और ये सात। ये हमारी छोटी पेटल शुरू हो रही है, ये देखिए। अब ये जो हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाया था, इस ट्रिपल क्रोशिया के अंदर हमें पांच सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। एक, दो, तीन, चार और ये पांच। पांच सिंगल क्रोशिया होने के बाद अब ये जो हमने बीच में चैन स्किप की थी, यहाँ पे हमें स्लिप स्टिच से अटैच करना है और एक चैन बनानी है। अब इसे टर्न करेंगे इस तरह से। अब हम ये पहली चैन स्किप करेंगे और दूसरी चैन के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, अगली चैन के अंदर हाफ डबल क्रोशिया, अगली चैन के अंदर लूप हम पीछे से उठाएंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले लूप के अंदर दो बार डबल क्रोशिया। अगले लूप के अंदर ट्रिपल क्रोशिया और लूप हमें ध्यान रखना है कि हमें पीछे वाला ही उठाना है। फिर से ट्रिपल क्रोशिया इसी चैन के अंदर, अगली चैन के अंदर फिर से दो बार ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे।
इसी चैन के अंदर फिर से ट्रिपल क्रोशिया। अब हमें तीन बार ऐसे धागा लेना है और अगले लूप के अंदर बनाना है। एक दो तीन, और इसी लूप के अंदर एक बार और बनाएंगे, दो तीन चार, अगले लूप के अंदर बनाएंगे। ये हमारा डबल ट्रबल क्रोशिया बनता जाएगा, एक एक धागा हमारा बढ़ता जाएगा। दो तीन चार पाँच, इसी चैन के अंदर फिर से बनाएंगे। ये देखिए, पांच बार धागा लेंगे और अगली चैन के अंदर फिर से ऐसे ही बनाएंगे। एक बार फिर से इसी चैन के अंदर बनाएंगे, पांच बार ऐसे लूप लेंगे। अब एक चैन लेंगे और इसे टर्न करेंगे। अब हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है, एक चैन छोड़ देंगे और अगली चैन के अंदर बनाएंगे। अब हमें सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरा राउंड कंप्लीट करना है यहाँ तक। ये देखिए, यहाँ तक हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया है और अब अगले लूप के अंदर ये देखिए, यहाँ से हम ये दोनों धागे उठाएंगे। ये धागा हम यहीं पे रखेंगे, बनाएंगे नहीं। और ये जो हमने ट्रिपल क्रोशिया यहाँ पे अटैच किया था, इसी लूप के अंदर से हम ये धागा निकालना है और तीनों धागे हम एक साथ बुन लेंगे और एक चैन बनाएंगे और इसे टर्न करेंगे। एक चैन पहली वाली स्किप करेंगे और अगली चैन के पीछे वाले लूप के अंदर से हमें सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। एक चैन के अंदर एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए, और लूप हमें पीछे वाला ही उठाना है। इस तरह से हमारी दूसरी पेटल कंप्लीट हो जाएगी।
ये देखिए ये हमारे सारे लूप कंप्लीट हो गए हैं। और अब हमें ये लास्ट वाले लूप के अंदर दो बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। और अब हमें इस लूप के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। चार, पाँच, छः, ये देखिए हमारे 9 डबल क्रोशिया हो गए हैं, और सिंगल क्रोशिया सॉरी। और अब इसे हम पेटल को ऐसे करेंगे, और ये जो हमारी लूप है यहाँ से हम इसे अटैच करेंगे स्लिप स्टिच से, और स्लिप स्टिच से हम इसे इधर लेके आएंगे। यहाँ तक लेके आएंगे। अब इस लूप के अंदर फिर से हमें 7 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। तो ये देखिए ये हमारी 2 पेटल बन के कंप्लीट हो गई है। इसी तरह से हमें सारी पेटल कंप्लीट करनी है। बड़ी वाली पेटल ऐसी बनानी है यहाँ पर, और छोटी वाली ऐसी। तो चलिए पूरा राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए ये हमारी सारी पेटल बन के तैयार हो गई है। और ये देखिए हम धागे को यहाँ पर स्लिप स्टिच से यहाँ तक ले आए हैं, और अब हम इसे यहाँ पे जॉइन करेंगे। ये जो शुरू में हमने बनाई थी बड़ी पेटल, यहाँ पे स्लिप स्टिच से लेके आएंगे। और धागा कट कर देंगे यहाँ से। ये देखिए ये हमारी सारी पेटल बन के तैयार हो गई है। ये सारी पेटल ऐसे सेट कर लेंगे। ये देखिए हमारी ड्रेस बन के तैयार हो गई है, 3D फ्लावर, 3D पेटल वाली ड्रेस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।